हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। हेरिडिटी होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मीन्स एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट हुए, पेरेंट्स से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में कैसे आए, उन ऑफस्प्रिंग से वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह से ट्रांसमिट हुए, इसे हम पढ़ते हैं हेरिडिटी में। और वेरिएशन क्या होता है, हमने देखा है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स की, ना ही वो अपनी जनरेशन के दूसरे मेंबर्स की कॉपी होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वेरिएशंस। इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिफरेंट लॉज पढ़ने वाले हैं मेंडल्स के। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइए हम थोड़ा सा जानते हैं मेंडल के बारे में। तो मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इनका बर्थ हुआ था 22 जुलाई 1822 में, मींस इनका जो बर्थ ईयर है वो है 1822। इन्होंने 6 ईयर तक वर्क किया है पाइसम सेटाइवम पर। पाइसम सेटाइवम होता है हमारा जो पी प्लांट है उसका बॉटनिकल नेम रहता है। और इनकी जब डेथ हुई थी वो 1884 में इनकी डेथ हुई थी। जब इनकी डेथ हुई तब तक इनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। उनकी डेथ के 16 ईयर के बाद में 1900 में ह्यूगो डिवरीज, कॉरेंस और शर्मा, इन तीन साइंटिस्ट ने इनके वर्क को रीडिस्कवर किया और इतने सालों के बाद में इनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया। जो मेंडल थे उनको चर्च में एज ए प्रीस्ट जॉब के लिए अपॉइंट किया गया था और वहां पर उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक वर्क किया। किस पर? पाइसम सेटाइवम पर। मेंडल के वर्क को इतने सालों तक रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया था, इसके 3 रीजंस हैं। फर्स्ट हम देखेंगे, वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड प्रॉपरली। इन्होंने जो भी वर्क किया था वो वर्क लोकल पेपर्स में और लोकल जर्नल में पब्लिश्ड हुआ था। इंटरनेशनल लेवल पर ये वर्क इनका पब्लिश नहीं हो पाया था, इस वजह से इनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। सेकेंड पॉइंट था, बायोलॉजिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट हिज वर्क। जो दूसरे बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इनके वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मेंडल जो थे वो एक बायोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक मैथमेटिशियन थे। तो बायोलॉजिस्ट जो थे उनके मन में कहीं ना कहीं था कि एक मैथमेटिशियन जो है वो किस तरह से बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को दे सकता है, इसलिए इनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और थर्ड पॉइंट है फैक्टर्स डिस्क्रीट यूनिट। इन्होंने फैक्टर्स के बारे में बताया था। फैक्टर्स जिसको हम लोग जीन्स बोलते हैं, इन्होंने उसे नाम दिया था फैक्टर्स। और इन्होंने ये बोला था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो ब्लेंड नहीं होते हैं। ब्लेंड का मतलब क्या होता है कि जब अगर हम एक रेड कलर के फ्लावर का क्रॉस व्हाइट कलर के फ्लावर से कराते हैं तो हम देखेंगे जो उसे जनरेशन मिलती है वो पिंक भी हो सकती है, पर मेंडल्स ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह से नहीं होता है, जो फैक्टर्स होते हैं वो उनमें ब्लेंडिंग नहीं होती है, मींस कैरेक्टर्स जो है वो ब्लेंड नहीं होते हैं। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इनको सक्सेस नहीं मिल पाई थी। काफी लंबे टाइम के बाद में उनके वर्क को रीडिस्कवर किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। तो अब हम देखते हैं उन रीजंस को जिससे मेंडल के वर्क को सक्सेस मिली। तो यहाँ पर इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे जिनके बीच में इन्होंने क्रॉस कराया था और इसके रिजल्ट्स को शो किया था। तो मेंडल ने प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, मींस उन्होंने जब क्रॉस कराया था तो पर्पल फ्लावर का क्रॉस उन्होंने व्हाइट फ्लावर से कराया। वहां पर कोई चांस नहीं था कि उन्होंने लाइट पर्पल लिया है या डार्क पर्पल लिया है। पर्पल मीन्स पर्पल और व्हाइट। सेकेंड देखेंगे लार्ज सैंपल साइज। इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो बहुत बड़े लेवल पर सैंपल्स को कलेक्ट किया था। बहुत सारे सैंपल्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इवन ने एक जनरेशन जब उन्होंने पेरेंट्स का क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद में जब F1 जनरेशन मिली, F1 के बाद में उन्होंने F2 जनरेशन को देखा, F2 के बाद में F3 जनरेशन तक वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो यहाँ पर जो सैंपल्स था वो बहुत लार्ज साइज के सैंपल्स इन्होंने लिए थे। डाटा एनालिसिस, इन्होंने जो अपने डाटा का एनालिसिस किया था बहुत अच्छे तरीके से किया था। इन्होंने स्टैटिस्टिकली अपने डाटा को शो किया था। और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है नो यूज ऑफ लिंकेज।
इन्होंने लिंकेज के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने लिंक जीन के बारे में और ना ही लिंकेज के बारे में बताया था और ना ही इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में लिंकेज को शो किया था। क्योंकि मैंडल एक मैथमेटिशियन थे फिर भी उन्होंने पाइथन अकेडमी पर क्या किया, वर्क किया। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि कैरेक्टर्स जो है वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को इन्होंने ही बताया था, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब हम देखते हैं कि मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया था। तो फर्स्ट रीजन है कि जो पी प्लांट रहता है इसका लाइफ साइकिल जो रहता है वो बहुत शॉर्ट रहता है। हम सबको मालूम है कि पी प्लांट का लाइफ साइकिल शॉर्ट है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होने की वजह से वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर कर सकते थे और बहुत जल्दी जल्दी उनको क्या होता, नई प्रोजेनी या नए ऑफस्प्रिंग्स उससे मिलते। अगर मैंडल ने मैंगो ट्री का सिलेक्शन किया होता तो क्या होता, आपको मालूम है कि मैंगो ट्री को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, उसमें फिर फ्रूटिंग होती है, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो पाते या नहीं हो पाते, तो इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया कि इसका लाइफ ड्यूरेशन जो था वो बहुत शॉर्ट था, लाइफ स्पेन जो था वो शॉर्ट था, ताकि बहुत जल्दी वो बहुत सारे स्टडी को उसके ऊपर कर सके और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को उसके ऊपर कर सके। सेकेंड रीजन देखते हैं, सेकेंड रीजन था सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। जो पी प्लांट होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, पर इसमें इमैस्कुलेशन और बैगिंग से क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है, या हम बोल सकते हैं कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों ही पॉसिबल था। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि जो पी प्लांट था उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे गए थे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स जिसे नाम दिया गया था वो क्या थे और कौन से ट्रेड जो थे वो डोमिनेंट थे और कौन से ट्रेड जो थे वो रिसेसिव थे। डोमिनेंट क्या होता है, जब कोई भी कैरेक्टर या ट्रेड जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेड, और जो ट्रेड या जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेड। तो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर था सीड शेप, तो जो राउंड, उन्होंने दो कैरेक्टर्स दो तरह के सीड देखे, राउंड सीड और रिंकल्ड सीड। राउंड सीड जो था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था और रिंकल्ड सीड जो थे वो रिसेसिव कैरेक्टर था। सेकेंड कैरेक्टर उन्होंने लिया था सीड के कलर का, इसमें भी उन्होंने देखा कि जो येलो कलर के सीड थे वो डोमिनेंट थे और जो ग्रीन कलर के सीड थे वो रिसेसिव थे। थर्ड कैरेक्टर उन्होंने लिया था फ्लावर कलर का, तो फ्लावर कलर में देखा कि जो वायलेट कलर था वो डोमिनेंट था और जो व्हाइट कलर था वो रिसेसिव ट्रेट था। पॉड शेप, अगर वो फुल है तो वो कैरेक्टर कौन सा था, डोमिनेंट था, और अगर वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर था। पॉड कलर लिया गया, पॉड कलर में उन्होंने ग्रीन और येलो कलर लिए, ग्रीन डोमिनेंट ट्रेट और येलो रिसेसिव ट्रेट। फ्लावर पोजीशन उन्होंने ली एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल पोजीशन, जब लीफ की एक्सियल से फ्लावर निकलता है वो एक्सियल पोजीशन, और जब पेडंकल के टिप पर फ्लावर निकलता है तो वो था टर्मिनल पोजीशन। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सियल और टर्मिनल पोजीशन को लिया फ्लावर की, जिसमें कि एक्सियल पोजीशन जो थी वो डोमिनेंट कैरेक्टर था और टर्मिनल पोजीशन जो थी वो था रिसेसिव ट्रेट। सेवेंथ कैरेक्टर उन्होंने लिया स्टेम की हाइट को, तो स्टेम की हाइट में देखा कि स्टेम की हाइट ज्यादा है, मींस प्लांट जो है वो टॉल है या बहुत छोटे हैं, ड्वार्फ है। तो जो टॉलनेस थी वो था डोमिनेंट कैरेक्टर और जो ड्वार्फनेस थी वो था रिसेसिव कैरेक्टर। तो इस तरह से पी में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिले, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। इसके बाद में हम देखते हैं सीड्स डू नॉट शो डोरमेंसी। हमने पढ़ा था कि सीड्स जब बन जाता है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हो जाता है और वो डोरमेंट हो जाता है, मींस इनएक्टिव हो जाता है, उसे हम इमीडिएट टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो पी प्लांट होते हैं उनमें डोरमेंसी नहीं होती है, सीड के प्रोडक्शन के बाद में हम इसे बहुत जल्दी से फिर से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, इनका जर्मिनेशन जो है वो पॉसिबल होता है। तो जो पी प्लांट रहता है इसके जो सीड्स होते हैं वो डोरमेंट नहीं होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस पर जनरेशन इज मोर। हर जनरेशन में उन्हें बहुत सारे सीड्स एक साथ में मिले थे, ऐसा नहीं था कि कुछ ही सीड्स का फॉर्मेशन हुआ। उन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए तो हर जनरेशन में, चाहे उन्होंने एल्फा जनरेशन
के लिए एक्सपेरिमेंट किया, एफ टू जनरेशन के लिए एक्सपेरिमेंट किया या एफ थ्री जनरेशन के लिए एक्सपेरिमेंट किया, तो हर जनरेशन में ही जो प्रोजेनी के मेंबर्स थे वो बहुत सारे मिले थे, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन किया था। अब हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसे समझाने के लिए मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो हम देखते हैं। उन्होंने लिया था एक टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट लिया था, और एक उन्होंने लिया था प्योर ड्वार्फ प्लांट। ये पेरेंट प्लांट थे, जो डोमिनेंट कैरेक्टर रहता है उसके लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, और जो रेसेसिव कैरेक्टर रहता है उसके लिए हम करते हैं स्मॉल लेटर्स का यूज। जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो इससे फॉर्मेशन हुआ गैमेट का, पहले गैमेट्स बनेंगे। और यहां पर हम देखेंगे कि ये जो पेरेंट प्लांट थे वो होमोजाइगस प्लांट थे। होमोजाइगस का मतलब होता है जिसमें सेम टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। तो यहां पर ये फॉर्मेशन हुआ किसका, गैमेट्स का। जब इनके बीच में क्रॉस हुआ, मींस जब टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया, तो क्या देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन मिली है वहां पर जो प्लांट मिले हैं ये सभी प्लांट कैसे थे, यहां पर टॉल प्लांट थे, ये टॉल प्लांट थे। और इस जनरेशन को नाम दिया था फिनियल, और इसको हम बोल सकते हैं एफ वन जनरेशन। पर यहां पर देखा गया कि जितने भी टॉल प्लांट थे वो कैसे टॉल प्लांट थे, हाइब्रिड टॉल प्लांट थे। हाइब्रिड ये प्लांट जो है ये प्योर टॉल प्लांट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ दोनों चीज जो है वो कैसे सेम टाइप के दिख रहे हैं। यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट में दोनों चीज जो है वो सेम है, तो ये प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट है। पर जब इससे एफ वन जनरेशन का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर जो प्लांट मिले वो सभी प्लांट कैसे थे, टॉल प्लांट थे, लेकिन यहाँ पर ये टॉल प्लांट कैसे थे, हाइब्रिड प्लांट थे। मींस ये जो है वो हेटरोजाइगस है। हेटरोजाइगस मींस होता है जब इससे गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जब मेंडल ने एफ वन जनरेशन के प्लांट्स का ही सेल्फिंग कराया, मींस इन्हीं प्लांट्स में उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जो थे वो किससे मिले, सेम प्लांट से मिले। तो जब हम यहां पर देखेंगे कि इनमें जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो कुछ इस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, और जब इनके बीच में क्रॉस हुआ तो यहां पर हम देखेंगे इसका क्रॉस जब इससे हुआ तो यहां पर हमको मिला प्योर टॉल प्लांट। इसका क्रॉस जब इससे होगा तो हमें मिलेगा टॉल प्लांट, पर ये टॉल प्लांट कैसा है, ये टॉल प्लांट हाइब्रिड टॉल प्लांट है। और जब देखा गया इसका क्रॉस इससे हुआ तो भी हमको कौन सा प्लांट मिला, हाइब्रिड टॉल प्लांट मिला। और इसका क्रॉस जब इससे कराया गया तो यहाँ पर कौन सा प्लांट मिला, यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट मिला। तो जब उन्होंने एफ वन जनरेशन के प्लांट में सेल्फिंग कराया उससे फॉर्मेशन हुआ एफ टू जनरेशन का, ये जैसे हम फिलियल टू जनरेशन बोलते हैं। तो एफ टू जनरेशन में क्या देखा गया कि जो प्लांट मिले थे वो थ्री प्लांट्स जो थे वो टॉल थे और वन प्लांट जो था वो कैसा था, ड्वार्फ प्लांट था। तो इस तरह से हमें मिला था यहाँ पर फीनोटाइप जो मिला, फीनोटाइप हम क्या देखेंगे, फीनोटाइप का मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स क्या है, वो दिखने में कैसे हैं। तो फीनोटाइप हमें यहाँ पर मिला था 3:1 का रेशो, क्योंकि थ्री प्लांट्स कैसे थे, टॉल प्लांट थे, और वन प्लांट कैसा था, ड्वार्फ था। और अगर हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप मीन्स इसका जो जीन्स है इसमें वो किस तरह के जीन्स है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमको जीनोटाइप मिला था वो जीनोटाइप था हमारे पास में 1:2:1। क्यों कहा हमने 1:2:1, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्लांट है जिसमें दोनों जीन्स कैपिटल टी से शो हो रहे हैं,
मींस ये हमारे पास में कैसा प्लांट है, ये प्योर टॉल प्लांट है। तो यहाँ पर हमें वन प्लांट जो है वो कैसा मिला है, प्योर टॉल प्लांट मिला है वन। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दो प्लांट हमको मिले हैं वो कैसे मिले हैं। यहाँ पर ये टू प्लांट्स जो है वो है आपके पास में हाइब्रिड टॉल प्लांट, टू हाइब्रिड टॉल प्लांट है। ये दोनों प्लांट जो है वो कैसे हैं हमारे पास में हाइब्रिड टॉल प्लांट है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वन प्लांट है ये हमको कैसा मिल रहा है, ड्वार्फ प्लांट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा फिनोटाइप मिला हमको 3:1 और जीनोटाइप मिला 1:2:1। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जब F1 जनरेशन से F2 जनरेशन का फॉर्म होता है तो यहाँ पर जीन जो है एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, पर यहाँ पर किसी भी तरह की ब्लेंडिंग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं हो रही है। F2 जनरेशन में कोई भी प्लांट ऐसा नहीं मिला था जिसकी हाइट जो है वो टॉल और ड्वार्फ के बीच में हो, मिडिल हाइट के प्लांट जो थे वो नहीं मिले थे। जो भी प्लांट मिले वो कैसे प्लांट मिले, या तो हमें टॉल प्लांट मिले थे या कैसे प्लांट मिले थे, ड्वार्फ प्लांट मिले थे। तो इस क्रॉस को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं क्योंकि हमें इसमें एक ही टाइप के हाइब्रिड्स मिलते हैं, इसीलिए इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। साथ ही हम देखेंगे कि जो F1 जनरेशन बनी थी वो F1 जनरेशन में हमने देखा था सभी प्लांट कैसे थे, टॉल प्लांट थे। मींस जो जनरेशन है वो कौन सी कैरेक्टर वाली है, डोमिनेंट कैरेक्टर वाली है। तो इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस भी नाम दिया गया था। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि जो F1 जनरेशन रहती है उसमें सभी प्लांट जो थे वो टॉल प्लांट थे, लेकिन जो F2 जनरेशन रहती है F2 जनरेशन में हमें मिले 25% मिले हमको टॉल प्लांट। कैसे टॉल थे, जो प्योर टॉल प्लांट थे। 50% प्लांट हमको मिले वो थे तो टॉल प्लांट लेकिन वो हाइब्रिड टॉल प्लांट थे, और यहाँ पर 25% हमको मिले प्योर ड्वार्फ प्लांट। तो इसीलिए हमारा जो फिनोटाइप था वो था 3:1, क्योंकि यहाँ पर आपके 75% प्लांट कैसे टॉल प्लांट है और 25% जो है वो ड्वार्फ प्लांट है। पर अगर हम इसका जीनोटाइप देखेंगे तो जीनोटाइप में हमने देखा था कि 25% जो है वो हमारे टॉल प्योर प्लांट है, क्योंकि 4 में से हमको 1 प्लांट जो है वो प्योर टॉल प्लांट मिला है, और 4 में से 2 जो प्लांट मिले हैं वो कैसे मिले हैं, हमें हाइब्रिड टॉल प्लांट मिले हैं। और यहाँ पर 4 में से 1 प्लांट जो है वो हमको कैसा मिला है, प्योर ड्वार्फ प्लांट मिला है। अब हम इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पुनेट स्क्वायर की हेल्प से समझते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो टॉल पेरेंट प्लांट लिए थे उनसे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, ये गैमेट थे। पेरेंट प्लांट कैसे है, होमोजाइगस है, क्योंकि सेम टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो हम देखेंगे F1 जनरेशन पुनेट स्क्वायर की हेल्प से कैसे बनाई जाती है। यहाँ पर हमने ये पुनेट स्क्वायर बनाया, इसमें हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में ये जो है ये दोनों गैमेट हमने ये लिए और यहाँ के ये दोनों गैमेट जो थे वो हमने यहाँ पर लिए। तो इसका और इसका जब हम क्रॉस कराएंगे, हम कुछ इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक साइड के गैमेट जो है वो मेल गैमेट होंगे और एक साइड के गैमेट जो कैसे होंगे, फीमेल होंगे। तो जब इसका और इसका क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी हमको मिलेगा, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी इसका क्रॉस इसके साथ में होगा तो ये मिलेगा, और जब हम इसका क्रॉस इसके साथ में कराएंगे तो यहाँ पर हमको ये मिलेगा। तो हमने इस तरह से क्या देखा, 4 प्लांट मिले। यहाँ पर हमको कितने प्लांट मिले, F1 जनरेशन जो थी उसमें 4 प्लांट मिले, और 4 प्लांट कैसे है, सभी प्लांट यहाँ पर टॉल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा फिनोटाइप था, फिनोटाइप कौन सी जनरेशन में, F1 जनरेशन में हम बात करते हैं, या जिसको हम फिलियल वन जनरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 प्लांट जो है वो टॉल प्लांट है, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो ड्वार्फ प्लांट है वो हमको एक भी नहीं मिलेगा। तो इसी को हमने क्या नाम दिया भाई, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही कहा गया था कि अगर हम एक टॉल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट से कराते हैं तो जो हमें F1 जनरेशन मिलती है, F1 जनरेशन में सभी प्लांट कैसे होंगे, टॉल प्लांट ही होंगे।
जब इनके बीच में सेल्फिंग कराया गया, तो देखते हैं किस तरह से फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर हम इसका क्रॉस कराते हैं, ये कैसे है, हेटरोजाइगस है क्योंकि दोनों जीन अलग अलग है। यहाँ पर हेटरोजाइगस, यहाँ पर क्रॉस कराया गया। और जब इसका गैमेट फॉर्मेशन हुआ, तो गैमेट फॉर्मेशन में यहाँ पर हमें टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमेट्स मिले हैं। और ये क्या है, F1 जनरेशन में ही क्या हो रहा है, सेल्फिंग, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा रहा है। अब जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, तो देखते हैं कि कैसे प्लांट मिलेंगे। इसका क्रॉस अब हम कराते हैं पुनेटिस कॉइल की हेल्प से। तो यहां पर हम देखेंगे कि गैमेट्स कौन कौन से हैं। यहां पर एक गैमेट है कैपिटल टी और एक गैमेट है स्मॉल टी। यहां पर एक गैमेट में है कैपिटल टी जीन है और एक गैमेट में स्मॉल टी जीन है। तो यहां पर जब हम इसका क्रॉस कराते हैं, तो क्या देखेंगे, इसका क्रॉस जब इससे होगा तो फॉर्मेशन होगा कैपिटल डी कैपिटल टी, मीन्स ये दोनों जीन साथ में आ जाएंगे। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो एक कैपिटल टी जीन के साथ में स्मॉल टी जीन आएगा। यहाँ पर अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन एक साथ में आएगा। और यहाँ पर अगर हम क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में इसका और इसका क्रॉस कराएंगे, तो क्या होंगे, दोनों स्मॉल टी जीन जो होंगे वो साथ में आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फोर प्लांट में से ये जो वन प्लांट है वो कैसा है, टॉल प्लांट है, प्योर टॉल प्लांट है। टू प्लांट्स जो हमको मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, हाइब्रिड टॉल प्लांट मिल रहे हैं। और जो वन प्लांट मिल रहा है वो कैसा प्लांट है, प्योर ड्रॉप प्लांट है। तो इस तरह से हमने पुनेट स्क्वायर की हेल्प से क्या देखा, F2 जनरेशन। और यहां पर हमने क्या देखा कि फिनोटाइप हमको मिल रहा है 3:1। क्यों कहा है 3:1, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे कि ये प्लांट टॉल प्लांट है, ये प्लांट टॉल प्लांट होगा, ये प्लांट जो वो भी टॉल प्लांट होगा। तो इस तरह से फिनोटाइप क्या हुआ, 3:1, क्योंकि फोर टोटल हमें कितने प्लांट मिले, यहाँ पर फोर प्लांट मिले हैं, उसमें से थ्री प्लांट जो है वो टॉल है और वन प्लांट जो है वो ड्वार्फ है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि फिनोटाइप क्या 3:1 है। और अगर हम यहाँ पर जब जीनोटाइप देखेंगे, तो जीनोटाइप में हम देखेंगे कि वन प्लांट जो है उसमें कैपिटल टी जीन है। तो वन प्लांट ऐसा है जो प्योर टॉल है, टू प्लांट ऐसे हैं जिनमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है, मतलब ये कैसे है, ये प्लांट है तो टॉल लेकिन हाइब्रिड टॉल प्लांट है। तो यहाँ पर हमें रेशियो मिला 1:2। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वन प्लांट है वो कैसा है, प्योर ड्वार्फ प्लांट है, मीन्स इसमें जो जीन्स है वो दोनों जीन्स कैसे हैं, सेम टाइप के हैं। तो ये हमको रेशियो मिला 1:2:1। और यहाँ पर जो हमने इसका फिनोटाइप देखा था, एप्पल जनरेशन का फिनोटाइप हमने देखा था, तो 4:0 मिला था, क्योंकि यहाँ पर फोर जो थे वो टॉल प्लांट थे और ड्वार्फ प्लांट जो था वो जीरो था। और अगर हम इसका जीनोटाइप देखेंगे, तो यहाँ पर जीनोटाइप भी हमको क्या मिलेगा, 4:0 मिलेगा। वो क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फोर प्लांट है सब में सेम टाइप के जीन है, एक कैपिटल टी जीन और एक स्मॉल टी जीन, चारों प्लांट में कैसा है, सेम टाइप का जीन है, इसलिए इसका जो जीनोटाइप होगा वो भी क्या होगा, 4:0 ही होगा। तो हमने अभी देखा कि जब हम एक डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट का क्रॉस रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट से करा रहे थे, तो F1 जनरेशन में 100% प्लांट जो थे वो हमको कैसे मिले, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले मिले थे। लेकिन जब हमने F2 जनरेशन देखी, तो उसमें हमको 75% जो प्लांट थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले मिले थे और 25% प्लांट जो थे वो रिसेसिव कैरेक्टर वाले मिले थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जा रहा है, इसीलिए इस क्रॉस को क्या नाम दिया गया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस नाम दिया गया। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये इनहेरिटेंस हो रहा है किसका, वन जीन का इनहेरिटेंस हो रहा है। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।